थोड़ा नेपाली कुछ बोलो भाई। तपाई को राम्रो छ है, तपाई को राम्रो छ, अब इसका मतलब बताओ। आप अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा, आप हाल पूछ रहे हैं, बोलना है ये बात ही नेपाली में बोले। ये आप टोपी आप सब लोग पहनते हो का है? हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय टोपी हो, यसलाई हाम्रो राष्ट्रिय टोपी भनिन्छ। हामी यहाँ जस्तै कि अब व्यापारमा गएको, जैसे कि बोला मैंने, अब यो टोपी नै लगाएगा तो यहाँ जो लोग है वो हमको नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमको ये टोपी लगाना अच्छा नहीं है नेपाल का। देखो ये पूरा रेशा धागा जैसे देखा देखो। अरे वाह, एकदम ये है इसका पहचान। मानो यहाँ के जो लोग है वहाँ के, एक है यहाँ के लोग एकदम अच्छे हैं। अच्छे हैं, हाँ, कोई परेशान तो नहीं ना करता? परेशान नहीं करते, एकदम सुख, मतलब कहीं जाएगा तो थोड़ा सा रोटी खा लो, खाना खा लो। पुलिस यहाँ का परेशान तो नहीं ना? कोई नहीं करता है, कोई नहीं, सब लोग सम्मान करता है। आप सभी का सीवान के बढ़रिया प्रखंड का जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड में अभी हम लोग हैं। आप सबको पता है 22 दिसंबर से क्रिकेट टूर्नामेंट बाबा साहब मजरुल हक सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट शुरुआत होने वाला है। इसी बीच में ये जो नेपाल से लोग आते हैं इस इलाके में, क्योंकि आप सबको पता है बिहार और नेपाल सटा हुआ है, तो लोग आते हैं। शिलाजीत हो गया, केसर हो गया, आपका पहाड़ी धनिया हो गया, हींग हो गया, ये सब लोग आते हैं मार्केट में, गांव-गांव में घूम के ये सारी चीज़ें ये लोग बेचते हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि कितने दिन ये लोग रहते हैं, कितने का कारोबार हो जाता है, और बिहार और नेपाल में क्या फ़र्क है। क्या नाम है? हमारा राम बहादुर रोक रोका राम बहादुर राजू बूढ़ा, राजू बूढ़ा, हाँ। बिश्ना डांगी भरत सिंह, भरत सिंह। आधार कार्ड कोई प्रूफ है? है सब डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट्स है ना? है सब है। हाँ ठीक है, तो आप लोग नेपाल से कहाँ से हैं? हम लोग इधर से जुमला से, जुमला जुमला जिला है कि क्या? जिला है। सारे लोग एक ही जगह के? सब एक ही जगह, एक ही जगह के। तो बिहार में सिवान बढ़रिया में पहला बार की? बहुत बचपन से आते हैं। बचपन से आते हैं हमेशा? कितने दिन के लिए? तीन महीना के लिए। तीन महीना के लिए? तीन महीना के लिए। तीन महीने में क्या क्या कारोबारी कार काम होता है? यही तो हिंग शिलाजीत केसर दिखा दिखा के, ये केसर बेचते हैं, ये केसर है, हिंग है, दिखाइए ना इसमें, दिखा दिखा, रुकिए पहले, रुकिए, इसको पकड़िए पहले, ये क्या है? ये केसर है। केसर है, ठीक है। ये क्या है, इससे फायदा क्या है? ये फायदा है मानो, ये विटामिन, विटामिन है, विटामिन है इसमें, ठीक है। ये पुड़िया कितने का है? ये पड़ेगा लगभग 200 का, 200 का, 200 का, ठीक है। उसके बाद? और ये शिलाजीत है, शिलाजीत है, हाँ। जलामुखी पहाड़ सटन का, कहाँ का है ये? ये धौलागिरी जला पहाड़ का है। कैसे पता करेंगे कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? ये अब ये माचिस लगा एकदम तार बनेगा, एकदम तार बनेगा, अभी बना दो। हाँ बनाया जाएगा, बना दो, तार बना के चेक करा दो। ये डुप्लीकेट है? नहीं, एक ही है, वो पैकिंग है। देखो इसका पहचान यही है नेपाल का। देखो ये पूरा रेशा धागा जैसे देखा देगा, देखो। अरे वाह, एकदम ये है इसका पहचान। मोटा बनेगा तो खराब होगा, मोटा अब कोई हिलो नहीं, हिलो वाला मोटो बन दे। हो गया हो गया, ये हो गया भाई, तुम्हारा लेके चले जाएंगे। केसर को कैसे मालूम करेंगे? पानी में डालो। इसके बाद क्या है? इसके बाद भाई, इसके बाद धनिया हो गया, पहाड़ी धनिया, पहाड़ी धनिया दिखा दो भैया। अच्छी हो जाए। इसमें नहीं है पहाड़ी धनिया? उसमें खत्म हो गया है, उसमें खत्म हो गया है। ये है पहाड़ी धनिया, पहाड़ी धनिया है। क्या फायदा है इसको खाने से? यो गैस्ट्रिक खत्म, टेस्टिंग ज्यादा, दाल सब्जी तरकारी चटनी में पड़ता है, दो दाना तीन दाना, एकदम मस्त है ये, मस्त है। हाँ ठीक है। और इसके अलावा और क्या है? बाबरी क्या है? हाँ बाबरी है। ये क्या है? ये वो बाबरी है, ये झोल है,
माथा दर्द सिर दर्द कम उसके काम आता है, ये तपाई को खुजली होता है उसमें काम आता है ये बाबरी में काम आता है। और क्या है भाई, और क्या था, क्या था ना, इतने इतने हिंग भी दिखा दो भैया, हिंग हिंग भी है, ये हिंग तो है, ये हिंग की हिंग भी किस किस काम में आता है, ये सर्दी जुकाम गैस्ट्रिक बाई गैस्ट्रिक सुधरता है, ये हिंग ये सब पहाड़ से निकलता है, एकदम पहाड़ धो लग रही है, दुधिया हिंग है, दुधिया पहाड़ से निकलता है, पहाड़ से है। तो कितने का आप लोग कितने कितने दिन काम काम करते हो यहाँ आप? इधर लगभग 3 महीना तक, 3 महीना आप कारोबार करते हो? हाँ, होली तक। तो मतलब कितने का कुछ हो जाता है बढ़िया इनकम? इनकम नहीं है, कोई नहीं है, मैडम 15-20 हजार ऐसे, 15-20 हजार ऐसे होते हैं, 15-20 हजार एक दिन में कितना हो जाता है? एक दिन में 200-300 ऐसे, 200-300। अच्छा अच्छा, कहाँ आप सब रहते हो? आप सब हम लोग इधर बड़रिया, बड़रिया में रहते हो आप सब? रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो 2-3 महीना रहोगे उसके बाद आप सब चले जाओ? हाँ चले जाओ। तो ये सब आप आपके घर वाले करते हैं, ये निकालते हैं पहाड़ से? हाँ खेती है, खेती बाड़ी घर ही वाला करता है लोग? हाँ खेती बाड़ी है घर वाला। अच्छा, आप जो यहाँ हिंदी बोल रहे हो, आप यहाँ से सीखे हो कि आप वहाँ भी लोग बोलते हैं? यहीं से सीखे हैं। यहीं से सीखे हैं, से सीखे। वहाँ कौन सा भाषा बोली जाती है? नेपाली भाषा। थोड़ा नेपाली कुछ बोलो भाई। तपाईको राम्रो छ है? तपाईको राम्रो छ, इसका मतलब बताओ आप अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा, आप हाल पूछ रहे हैं? तो हम पूछेंगे हम ठीक हैं, सब बढ़िया है, तो कैसे बोलेंगे? हाँ उधर तपाईको राम्रो छ, राम्रो छ, एकदम ठीक छ, एकदम ठीक छ, एकदम ठीक छ। इसको नेपाली में कैसे बोलेंगे? राम्रो छ, राम्रो छ, राम्रो छ, बढ़िया, इधर का बढ़िया है, उधर का बढ़िया। और इसके अलावा और कुछ? और क्या, इतने है, इतने है, आप क्या कर रहे? और मतलब और कुछ बताओ भाई नेपाली में। और क्या बताओ, खत्म हो गया। आप दोनों एक दूसरे से बात करो तो। हजुर मेरा च्यामा परो, हाम्रो अब भेटै चौडोमा भयो, भेट एट भयो। अच्छा, हम जो पूछेंगे ना आप नेपाली में जवाब देना, जो भी पूछेंगे है ना। ये क्या है? टिमुर। टिमुर। हाँ, इसका मतलब क्या है? टोपी हो। टोपी आप लोग सब पहनते हो का है? यो नेपाल को चिनासी हो। नेपाली में बोलना है ये बात, ही नेपाली में बोले। ये आप टोपी आप सब लोग पहनते हो का है? ये यो हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय टोपी हो, यसलाई हाम्रो राष्ट्रिय टोपी भनिन्छ। हामी यहाँ जस्तै कि अब व्यापारमा गइसकेपछि यो लगाएर आउनुपर्छ हामीले। यो नलगाउँदाखेरि हामीलाई यो टोपी नलगाएको भने चिन्न सक्दैनन्। यो टोपी लगाएर हिँड्नु भनेर चिन्न सक्दैनन् र हामीले यो टोपी लगाएर आउनुपर्छ। अब यसको हिन्दीमा अब जैसे कि बोला मैंने, अब ये टोपी नहीं लगाएगा तो यहाँ जो लोग है वो हमको नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमको ये टोपी लगाना ज़रूरी है। फिर व्यापार करने के लिए, कुछ सामान बिकाने के लिए ये टोपी एकदम इम्पोर्टेंट है। और हाँ, बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ भाई एक और बात, यहाँ के लोग कैसे हैं? नेपाल के लोग तो हैं आपके आसपास, सब लोग रहता है यहाँ के, जैसे ये जितने सारे जो लोग मिलता है लो, वो लोग आप लोगों को सम्मान करता है लो? एकदम एकदम, बहुत जैसे कि मानो यहाँ के जो लोग हैं वहाँ के, एक यहाँ के लोग एकदम अच्छे हैं। अच्छे हैं, हाँ, कोई परेशान तो नहीं ना? परेशान नहीं करते, एकदम सुख, मतलब कहीं जाएगा तो थोड़ा सा रोटी खा लो, खाना खा लो बोलते हैं, लेकिन पूछते हैं बहुत हमसे रास्ते में चलते समय, बहुत अच्छे है, अच्छे है। दिल को अब पुलिस यहाँ का परेशान तो नहीं? कोई नहीं करता है, कोई नहीं, सब लोग सम्मान करता है, सम्मान करता है। हाँ चलिए, तो बहुत बढ़िया लगा आप सब लोगों से मिलके। चलिए, तो बिल्कुल आप सब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप सब लोग बता सकते हैं। बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।